हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ATS क्लासेस में। बहुत सारे आप देख सकते हो कमेंट्स आ रहे थे कि जो स्टैंड बाय लिस्ट आपका JEE का आया हुआ है, तो फाइनल जो पैनल होती है एडिशनल पैनल वो आ गया, बट उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, जिनका DB प्लस मेडिकल भी हो गया, बट जो फाइनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है वो अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं आया। तो ये डाउट है कि मन में सबका कि भाई ये कब आने वाला है। तो देखो, आप जिस बोर्ड से आपने JEE का जो आपका एडिशनल पैनल का रिजल्ट आया होगा, तो दिक्कत अभी कहाँ पे आती है कि सपोज़ आपका DB प्लस मेडिकल सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको भेजा जाता है कहाँ पे, ट्रेनिंग में भेजा जाता है। सपोज़ JEE के अंदर भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक दो तरह की ट्रेनिंग होती है। एक लाइन ट्रेनिंग होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हो, और एक जो होता है आपका इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है वो आप करते हो। तो लेट होने का मेन रीज़न यही है कि जो इंस्टीट्यूट में जो बैचेस बनती है ना, वो बैच आपका नहीं बना होगा, इसीलिए अभी तक आपको जो ट्रेनिंग का जो डेट अभी तक मिला नहीं होगा। तो हो सकता है ये आपको 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का बहुत सारे ऐसे डिविजन्स में जो है अभी उनका टाइमिंग दिया गया आपका जनवरी में, और अगर बात करोगे आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट TRD TRS वाले वो सब भी वेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी रीमेडिकल हो गया है तो भाई जॉब आपको मिल गई है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एडिशनल पैनल में आपका नाम आया है, आपने रीमेडिकल दिया है, DB दिया है, सब कुछ, टेंशन नहीं लेना। बस आपको थोड़ा वेट करना है, और हो सकता है आपको GMAIL के थ्रू से आपको इन्फॉर्म किया जाने के लिए बोला गया होगा कि जो भी ट्रेनिंग की शेड्यूल स्टार्ट होगी, हो सकता है आपको GMAIL के थ्रू से मैसेज भी आएगा। तो आपको करना भी यही है, सिर्फ GMAIL थोड़ा सा आपको चेक करते रहना है। जॉब तो भैया आपको मिल ही गई है, थोड़ा सा और वेट कर लो। तो और जिन लोगों के अभी तक पैनल आया नहीं है जो वेटिंग लिस्ट का, उनका भी बहुत जल्दी धीरे धीरे आने वाला है, क्योंकि देखो लेट होने का इसका मेन रीज़न यह है कि ALP और टेक्नीशियन उसका भी पैनल जो है अभी धीरे धीरे एडिशनल पैनल आ रहा है हर एक बोर्ड का। तो हो सकता है कि ALP और टेक्नीशियन का सबसे पहले प्रायोरिटी दिया गया होगा आपके बोर्ड में, उसके बाद आपका रेलवे JEE का आपका जो एडिशनल पैनल बोला गया वो आएगा। तो सबका आने वाला है, अगर क्योंकि जो रेलवे मिनिस्ट्री के तरफ से जो नोटिस निकला था कि जितने भी सारे 21 रेलवे की जो बोर्ड है वो सारे बोर्ड अपने वैकेंसीज को एडिशनल पैनल के थ्रू से उसको पूरा करें। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर आप वेट कर रहे हो ज्वाइनिंग का तो वो भी आपको मिलने वाला है, और अगर आप एडिशनल पैनल का अगर वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो भी आपका आने वाला होगा। और एडिशनल पैनल में नाम आने के बाद जो ज्वाइनिंग लेटर आती, हो सकता है 1 से 2 महीने के बीच उसमें टाइम लगता है। अगर नहीं आया होगा तो आप पोस्ट ऑफिस जो आपका रहता है उसमें कॉन्टैक्ट आप करते रहना, आपको मतलब वहाँ से जानकारी आपको मिलती रहेगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ डाउट्स क्लियर होंगे हुए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।